इधर आके लाज ही नहीं है Hey guys, what's up? Welcome back to the channel. I hope you all are doing well in this lockdown. और अभी phase 3 हमारा चालू हो चुका है lockdown का, and also 3-4 दिन बाद वाला video आ रहा है. So आप लोगों को भी थोड़ा सा awkward लग रहा रहेगा कि कहाँ पे था, कुछ questions भी होंगे, क्या कर रहा था. जो भी gaming वाले channel में हमारे साथ active हैं, उन लोगों को पता रहेगा कि मैं क्या कर रहा था. Trust me, 3-4 दिनों में मैंने बहुत सारी चीजें करी है. सबसे पहली चीज हम लोगों ने करी वो ही सेटअप, उस वाले रूम से इस वाले रूम में डाला, बिकॉज हमारा एसी हो चुका है अब ठीक. वी ऑल डिड इट अवर सेल्फ, जो कि मेंटेनेंस हम लोगों को जो भी करना था वो सब कुछ चीजें हो चुकी है. बट स्ट्रीमर्स बैटल उसके बाद लोगों ने खेला था मेगा स्टार्स के साथ, वी केम फोर्थ, और ऑब्वियसली मेरा कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत कम था, बट स्टिल वी केम फोर्थ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर. उसके बाद हम लोगों ने एक इंस्टाग्राम सेशन करा था अभी थोड़ी देर पहले, इंस्टाग्राम का बॉन्ड ऑन इंस्टाग्राम करके एक सेशन था, वी डिड इट. उसके बाद हम लोगों ने कास्ट करा था पीएमपीएल व्यूअर्स पार्टी, जो कि 4 घंटे चली थी, 3 डे ईच, एंड आप में से बहुत सारे लोग आए थे सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू. बट अगले वीक भी शायद हम लोग करेंगे व्यूअर्स पार्टी, अगर आप लोग नहीं आ पाए थे, और शायद से पीएमपीएल के लिए ऑफिशियल चैनल पे भी कर सकते हैं. Possibility. Also, one of our cousin turned 13 this week, और 5th May को उसका birthday था. We celebrated his birthday by making a cake for him. अब surprise था पहले starting में, but eventually it went कि उसको पता चल गया. देखो कि क्या क्या हुआ. अजीब ही है भाई ये लोग. एक टाइम हुआ करता था इस रूम में, आई टू डू सो मेनी थिंग्स, ईट, स्लीप, रिकॉर्ड, यहाँ पे स्ट्रीम भी करते थे. आपको ये सेटअप तो याद ही होगा, पीछे जो बैकग्राउंड रहता था. अब मैंने उस रूम में शिफ्ट कर लिया तो ये रूम खाली रहता है. सेम लाइफ में भी ऐसी चीजें होती है जब आपको लगता है कि कुछ लोग मतलब के लिए आपके साथ है. आई मीन दिस इज हाउ लाइफ वर्क. जब आपको लगता है कि कोई बंदा आपके पास सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए आ रहा है, कुछ आपसे लेने के लिए आ रहा है, आप भी कभी कभी किसी के पास कुछ लेने जाते हो, किसी मतलब के लिए जाते हो. सो दिस इज हाउ लाइफ वर्क. एग्री कर रहे हो तो एक बार कॉमेंट सेक्शन में बताना विद ऑल ऑफ दिस कॉन्टेक्स जो मैंने अभी आपको बताया. उसी नोट पे करते हैं आज का व्लॉग एंड विद सो दिस इज वट अवर सीएम ऑफ दिल्ली हैव सेड, अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिए, टाइम टू रीओपन दिल्ली, पीपल विल हैव टू बी रेडी टू लिव विद कोरोना वायरस. दिल्ली कोई यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन कंट्रीज, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसा नहीं है जहाँ पे इलिटरेसी रेट बहुत हो और वहाँ पे लोग समझे. यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हुए जो इलिटरेट है, लिटरेसी रेट कम है, जो लोग समझ नहीं पा रहे अभी भी कि कोरोना वायरस है क्या और किस चीज से फैल रहा है और क्यों फैल रहा है, लोगों को पता ही नहीं है. सबके सब यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि सबको पता चले एक्चुअली है क्या कोरोना वायरस, एंड धीरे धीरे करके वो प्रोसेस चल भी रहा है. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट व्हाट रॉन्ग इज यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि भाई लिकर शॉप खुलेगी, एंड अभी भीड़ ऑलरेडी होना शुरू हो चुकी है. सोशल मीडिया पर फोटो देखोगे, बुरा हाल है. ये तो पहला ही दिन था, अभी तो दूसरा तीसरा दिन भी होगा. दिल्ली गवर्नमेंट सीरियसली प्रायोरिटीज मैन. पीपी किट्स बना देंगे हम लोग, वैक्सीन बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला. लॉकडाउन इज द ओनली सॉल्यूशन टू होल्ड द थिंग. लॉकडाउन कम नहीं कर सकता भले ही, बट एक चीज पे रोक सकता. अभी बाहर जाएगा तो ग्राफ फिर बढ़ेगा नीचे, तो ऑब्वियसली बात है लॉकडाउन से जाने से रहा, बिकॉज अगर उस चीज की वैक्सीनेशन आती है तब वो ग्राफ नीचे जाएगा. अभी होल्ड एटलीस्ट हो रखा था, वो टूट के अब इट विल गो अप अगेन. आई डोंट नो क्यों ये डिसीजन लिया. अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए थे यार, 37 या 38 दिन हुए थे सिर्फ लॉकडाउन स्टार्ट हुए हुए, क्या हम 2 महीने भी घर पे नहीं रह सकते. आप अपना कमेंट सेक्शन में ओपिनियन बताइए कि क्या आप क्वारंटाइन में जाना चाहोगे इन्फेक्ट होने के बाद, या तो फिर आप घर पे रह के सेफ रहना चाहोगे. आई नो सारी शॉप्स नहीं खुली है, बट स्टिल बहुत सारे लोग ऐसे जो बाहर जा चुके हैं ऑलरेडी, एंड आपको पता नहीं कि कौन सा बंदा कॉन्टैक्ट में आ रहा है, क्या पता वो बंदा आपके आस पास जो दूध देने वाला है, जो सब्जी देने वाला वो ही कोई हो, बिकॉज लिकर शॉप हर कोई यहाँ पे एक्सेस करता है, 3 में से 2 बंदे इंडिया में. तो खासकर उन सब चीजों को भी छोड़ते हैं, हमारा स्ट्रीमर्स बैटल थोड़ी देर में शुरू होने वाला है. सुपर हीरो स्ट्रीमर्स बैटल नाम है इस टूर्नामेंट का. आई डोंट नो कि कौन कौन खेलने वाला है, बट 1:30 बजे 2:30 बजे एग्जैक्ट मैच स्टार्ट हो जाएगा सेटअप करके. सबसे पहले अपना ये दूध खत्म करते हैं, बिकॉज फाइनली हमारे मैचेस खत्म हो चुके हैं. Day 1 के Day 2 होगा कल स्टार्ट, बट अभी मैं पूरा ही पूरा नेट अपना जुगाड़ करके बैठा हूँ. जो हमारा इंडियन सर्वर नहीं आता था, लाइव स्ट्रीम जो भी देखते हैं उनको पता है इंडो लॉबी मेरी लगती थी. अगर आप लोगों के भी पबजी वाले इंडो लॉबी लगती है तो यू कैन चेंज दैट थिंग. नाउ द सेकंड थिंग इज, अगर इंडो लॉबी लग रही है तो आपकी पिंग भी 200 के आसपास ही आई. अगर आपका 100 Mbps है स्टिल आपकी पिंग नहीं आ रही, तो दैट इज द ओनली रीजन
कि क्यों नहीं आ रही है पिंग। अब गेम में पिंग भी कांस्टेंट आ रही है 20 और मैं यूट्यूब में 20,000 बिटरेट के साथ अपलोड भी कर सकता हूँ अपने सारे लाइव स्ट्रीम का कोई भी वीडियो वगैरह। और प्लेसमेंट अपनी अभी राउटर की चेंज हो चुकी है इस वाले कॉर्नर पे। पूरा दिन बैटल अड्डा और ये इंटरनेट इशू सॉल्व करने में निकल गया। अब कल मेरे छोटे भाई का बर्थडे है, कजन का, नीचे आवाज ना चली जाए बिकॉज वी आर प्लानिंग अ सरप्राइज केक फॉर हिम। अब जब तक वीडियो चली जाएगी तब उसको पता ही चल जाएगा, बट आज हम लोग केक बनाने वाले नीचे सेकंड फ्लोर पे, देखते हैं कैसा बनता है। बिकॉज लॉकडाउन में बाहर केक लेने तो जा नहीं सकते, बट वील बी सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे विद द होम मेड केक, देखते कैसा बनता। हम लोग सब बैठ के बनाने वाले हैं। लेट है, अब एक स्कैम हो चुका है, एक केक ऑलरेडी बन चुका है जो कि इसकी मम्मी ने बनाया, मेरे को पता नहीं था कि बनने वाला है, बट वी आर गोइंग फॉर द सेकंड केक जो कि हम बनाने वाले तो भी बाय द वे हम लोगों ने ओरियो बिस्किट जो नॉर्मल आते हैं वही हम लोगों ने, अबे लाइट देना होशियार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तू सो खाली अपीयरेंस दे आए हो बे, बट तू अभी नहीं खाना है होशियार। अभी इसको बाय द वे पता चल चुका है, हम लोग इसको कल बताना, इट वाज अ सरप्राइज, बट इसको पता चल चुका ऊपर आ गया है हरामी सेकंड फ्लोर पे देखने के लिए। और हमारे ये ऑलरेडी पाउडर रेडी हो चुका है, इस पे अभी हम अपना दूध और जो भी छोटी बड़ी चीजें होनी है वो डालेंगे। दूध रखो ना, दूध पेट ना कम ना ज्यादा बालक बस गाइस आकर आकर पड़ी क्यों आकर हाँ टेस्ट इट तीनों इसलिए क्योंकि ये फूले हुए कि ना केक भी फूला हुआ चाहिए। तीनों मस्त है बड़ी। फाइनली बेस में इसके अंदर बैठा हुआ है थोड़ा सा ऑयल डाला हुआ हम लोगों ने। बटर पेपर के ऊपर ऑयल लगाया हुआ है। तू बोल ले ले आओ तू कर ले यार। अभी थोड़ा बहुत केक वगैरह बन चुका है, नॉट थोड़ा बहुत, अभी ऑलरेडी पूरा बन चुका है। अब स्टेप्स वगैरह मैंने आप लोगों को इतने बताए नहीं बिकॉज ऑलरेडी यूट्यूब में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, मैं भी यूट्यूब में देख के ही बना रहा था, मेरे को ऑब्वियसली चाचू वगैरह हेल्प कर रहे थे। अभी ऊपर आए हैं थर्ड फ्लोर में पबजी खेलने के लिए, जब तक 15 से 20 मिनट लगेंगे उसको बेक होने में, हम लोग प्रेशर कुकर में बना रहे हैं उसको ना कि ओवन में। केक बन चुका अपना, अभी अगर इसके अंदर थोड़ा सा ड्राइनेस अगर हुआ, लाइक ड्राइनेस अगर पूरा भी हुआ तो हमारा केक ऑलरेडी रेडी हो जाएगा। फिर चेक कर दे एक बार केक कैसा बना है। बन चुका की दुनिया में आप लोगों को बहुत अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे जो आपको रोकेंगे टोकेंगे और आपको बताएंगे कि आपको कौन सी चीज कैसे करनी है, बट एट द एंड आपको वही करना है जो एग्जैक्ट आपको करना पसंद है, द थिंग व्हाट यू लव टू डू। एंड वही एक मैसेज के साथ मैंने एक पुरानी वीडियो बनाई थी जो शायद एक मिनट के आसपास की, जो मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाली थी, वही एक मैसेज आप लोगों की साइड पे अच्छा पहुंचा था, बट कुछ लोगों को अभी भी ऐसा है कि नहीं यार जो पूरी दुनिया कर रही है मेरे को वही करना है, जस्ट जो आपको पसंद है वो करो। अब पता नहीं लॉकडाउन वाले व्लॉग्स कैसे जा रहे हैं, मैंने पर्सनली कुछ लोगों से पूछा, दे सेड कि इट इज गोइंग वेल, हम लोगों को मजा आ रहा है, वी आर गेटिंग एंटरटेन्ड बाय योर व्लॉग्स आल्सो, डेली डालो। बट अभी पीएमपीएल के जो कास्टिंग थी उसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत ब्रेक लिया बीच में 3-4 दिन का, बट नाउ हियर वी आर बैक। अभी कल भी एक व्लॉग आएगा, आप लोग बताने कि लॉकडाउन में पर्सनली सच्चे मन से कैसे लग रहे वाले व्लॉग्स और कुछ हम लोग चेंज कर सकते हैं, कुछ और नई चीजें कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग यहाँ अपने सेटअप पे बैठ के कुछ इस चैनल के लिए रिकॉर्ड कर सकते हैं कुछ नया कंटेंट। सो लेट मी नो कमेंट सेक्शन, मिलते हैं अगले व्लॉग में, लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना इस वाले चैनल को अगर आप नए हो तो, और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए एज ऑलवेज बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।